ना जेल गए ना थाने, बस सड़क बंद की, नारे लगाए, कैदियों की ले जाने वाली गाड़ियों में फोटो सेशन किया और घरों को चलते बने। पिशावर में पीटीआई की जेल भरो तहरीक में किसी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान और पीटीआई के साबिक वज़रा ने कारकुनान के हमरा आज गिरफ्तारी देने का दावा किया था। देखते हैं पिशावर से अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी का दरवाजा खोला, विक्ट्री का निशान बनाया, वीडियो भी बनवाई और कैद होने की बजाय वापस होना गवारा समझा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए फजल इलाही है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी पेश करने का दावा करने वाले पीटीआई रहनुमा परवेज खटक, असद केसर, शाफरमान समेत दीगर सूबाई वज़रा ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। खान साहब का हुक्म आया, ये जेल भरो तहरीक नाकाम बनाना चाहते हैं सिर्फ लीडरशिप को पकड़कर। हमने ऐसा नहीं करने देना, हम हजारों वर्कर के साथ जेल के अंदर जाएंगे। गिरफ्तारी देने के लिए पीटीआई कयादत ने पहले थाना हशनगरी फिर थाना गुलबहार जाने का फैसला किया। पुलिस ने हथकड़ियां तैयार की तो इन्हें अचानक जेल जाने का ख्याल आया। पुलिस गाड़ी लेकर पहुंची तो कारकुनों ने टायर पंचर कर दिया, जिसमें भी पीटीआई के साबिक एमपीएस और कारकुन तस्वीर बनाना न भूले। असद केसर ने तो गिरफ्तारी पेश करने से मुतल्लिक ट्वीट तक ही कर दी। पुलिस की गिरफ्तारी पेश करने से मुतल्लिक ऐलानात भी काम न आए। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए और फिर गाड़ी से निकल गए। तो अगर कोई रजाकाराना तौर पे नहीं देना चाहता गिरफ्तारी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 के तहत 5 अफराद से ज्यादा लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी आयद थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक कारकुनों को कहा गया था कि गिरफ्तारी देने के लिए किसी भी थाने या जिली इंतजामिया के दफातर जा सकते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स दानियाल अजीज और रसूल दावर के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पिशावर।